झाबुआ के पेटलावत कांग्रेस विधायक बाल सिंह मेड़ा अचानक सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां मरीजों से मिलकर उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मरीजों ने विधायक को अपनी आपबीती सुनाई। पेटलावत विधायक बाल सिंह मेड़ा सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर भड़क गए और डॉक्टरों को फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि ईश्वर ने आपको इंसानों की सेवा के लिए डॉक्टर बनाया है, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि मरीजों को दवाई नहीं मिल रही है। आलम यह है कि प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेकर आना पड़ रहा है। मैं इधर जा रहा था देवली बालीघाटी तरफ, लेकिन यहाँ पे कुछ मरीज मिला तो हमने अचानक यहाँ मुड़ा। यहाँ मैं पहुँचा हूँ 9:15 बजे, तो स्टाफ को देखा तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर थे नहीं, और मेरे को पता लगा कि इनकी ड्यूटी सबकी है 9 बजे, तो आए नहीं। तो मरीज में थोड़ा आक्रोश है मेरा, ये नहीं है। मैंने सरसा करते हुए पूछा कि भाई अपने इमरजेंसी वार्ड, ईश्वर करे तो बीमारी नहीं आए, कोई कोरोना के लिए क्या व्यवस्था करी, ऑक्सीजन के लिए अपने क्या व्यवस्था है। कुछ हमारे मरीज के साथियों ने बोला है कि रात में हम आते हैं और यहाँ लाइट की व्यवस्था रास्ते में बहुत दिक्कत है, इसकी व्यवस्था की जाए। और यहाँ दवाई के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा यहाँ करी है कि भाई मरीज को वास्तव में दवा अस्पताल में जो मिलती है, और नहीं अस्पताल में जो दवाई आ रही वो उस दवा से मालूम नहीं पड़ता, फिर स्टोर पे वो दवा मिल जाती है और यहाँ क्यों नहीं मिलती है। तो मैं शासन से और कलेक्टर साहब से और CMO साहब से बात करूँगा कि सब जो दवा हमारे मरीज के लिए इसके साथी स्टोर से जाके मरीज के लिए दवाई डॉक्टर मंगाते हैं स्टोर पे मिल सकती है, लेकिन सरकार की वो खजाने में आती है क्यों नहीं मिलती, कहाँ से लाया गया, गरीब आदमी कहाँ जा कहाँ से भटकेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी है कि भाई आप हमको छूछी दो कौन सी दवा मिलती है और कौन सी दवा नहीं मिल रही है। मान लो उस दवा के लिए आदमी की ज़्यादा तकलीफ, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कौन सी बीमारी हो, अगर अपन यहाँ इलाज कर लेते हैं और यहाँ व्यवस्था हो जाएगी इलाज की तो यहाँ करेंगे, अगर यहाँ नहीं करते हुए अगर ज़्यादा इमरजेंसी हो तो झाबा भेजेंगे, दाहोद भेजेंगे, लेकिन वो दवा उपलब्ध होना चाहिए। तो मेरा और सर आज और कुछ दिखाया हॉस्पिटल? अब मैंने देखा कि बड़ा आक्रोश मेरा यही है कि जो भी हमारे यहाँ के डॉक्टर लोग हैं इनसे मेरी अपील है कि आप समय पर आ जाए, आप सेवा के लिए आपने ईश्वर ने भी साथ दिया और आपको डॉक्टर बनाया, इंसान को इंसान बचाने के लिए आपको शक्तियाँ दी है, इसका आप समय पे भरपूर इनका समय देके जितनी आपकी ड्यूटी है समय पे वो ड्यूटी के ऊपर डॉक्टर आते जाते रहेंगे, लेकिन इसको समय मिलना चाहिए और इनको इलाज के लिए आपकी मदद जरूरी है। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।